आज हमारा ये वर्क पावर एनर्जी का थर्ड एंड लास्ट लेक्चर है। और एक्चुअली मैंने सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चंस है ना उनको भी वर्क पावर एनर्जी में ही ले लिया था, और 24 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं 25 क्वेश्चन में। ये एक रिंग है और ये ओमेगा से घूम रही है। और यहाँ पे एक बीड है, ये इस सर्किल में घूम रही है। मतलब यहाँ पे रेस्ट पे है, ऐसे कह लो, यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है। और ये आपको दे रखा है R/2, और ये आपको दिया हुआ है R। लेकिन रेस्ट का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इसको मैं रिंग कह रहा हूं, इसको मैं कह रहा हूं रिंग, इसको मैं बीट कह रहा हूं। तो रेस्ट ये किसके रेस्पेक्ट में है? विद रेस्पेक्ट टू रिंग है। अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहूं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिर ये रोटेट कर रही है ना, रोटेट विद ओमेगा, और सर्कुलर पाथ में कर रही है, ध्यान रखना सर्कुलर पाथ में कर रही है, और उसकी जो रेडियस है वो R/2 है। बता पीयूष, समझ में आई बात कि नहीं आई? ये रिंग के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है और ओमेगा से रोटेट कर रही है, और R/2 के रेडियस में, ये कह लो। तो हमसे ओमेगा स्क्वायर पूछा था बस, हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग काफी करते हैं क्लास में, और स्मूथ सरफेस दे रखी है, ध्यान रखना। तो एक बात बताओ कि इस पे एक तो लगा नॉर्मल रिएक्शन जो सेंटर से पास हो गया, ध्यान रखना, एक लगा MG, मास वगैरह दिए होंगे जो भी चाहिए होगा तुम्हें। और मान लो ये एंगल थीटा है, तो फिर ये वाला एंगल थीटा हो गया। अब एन का जो वर्टिकली ऊपर को कंपोनेंट आया वो तो आ गया N cos θ, और एन का जो इधर को कंपोनेंट आया वो N sin θ आ गया। और आप ये देखो N sin θ ने इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, M R/2 ω2, और N cos θ ने MG को कैंसिल किया। ये हो गई, दोनों को डिवाइड कर दो तो N कैंसिल, M कैंसिल, तो यहां से ओमेगा निकाले, बस फाइंड ω2। और रही बात 10 θ की, जैसे यहां पे 10 θ आ रहा है ना, तो फिर उसके लिए थीटा तो मालूम ही है ना। देखो जैसे ये है बेटा, आप ये देखो फिगर में अगर देखोगे तो ये फिगर बनी ना, ऐसे बनी, देखो ये थीटा है। अब ये R/2 है, ये R है, तो ये तुम निकाल ही लोगे, √R² - R²/4, तो मेरे ख्याल से √3/2 R आ गया। क्यों ये आ गया? तो 10 θ तुम्हें दिख ही रहा होगा, 10 θ यहां से क्या आ जाएगा बेटा,
आर बाई टू अपॉन रूट 3/2 आर, ये कह लो, या सीधे सीधे तुम्हें वैसे भी दिख रहा होगा, फिगर में ही तुम्हें दिख रहा होगा ना, साइन थीटा, साइन थीटा तुम्हें वैसे दिख रहा होगा, आर बाई टू अपॉन आर दिख रहा होगा, मतलब हाफ दिख रहा होगा, क्यों? तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री वैसे भी आ गया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, कि जो बीड है वो रिंग के रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो फिर वो सर्कुलर मोशन कर रही है, और ओमेगा एंगुलर स्पीड से और आर बाई टू रेडियस से, और स्मूथ सरफेस है तो केवल दो ही फोर्सेस लगे हुए हैं, नॉर्मल रिएक्शन और एमजी, और नॉर्मल रिएक्शन का जो साइन थीटा कंपोनेंट है उसने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया, और कॉस थीटा कंपोनेंट ने एमजी को कैंसिल किया। अब चलते हैं 26। तुम्हें एफ वर्सेस एस ग्राफ दिया बता, एफ न्यूटन में, एस मीटर में, इस टाइप से कुछ दिया था। टू थ्री एंड टू थ्री, और तुम्हें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी एट 3 मीटर कितनी होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 दे रखी थी, ठीक है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो, एफएस ग्राफ का जो एरिया होता है, ये होता है, इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो वर्क डन देगा, और वर्क डन का मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरमा ध्यान रखना, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, और के इनिशियल तुम्हें 0 दे रखा है, क्यों? तो सीधे सीधे इसका मतलब के फाइनल कितना हो गया, के फाइनल हो गया, एरिया हो गया, बस हो गया। पीयूष समझ में आया? हाँ जैसे एरिया बाय द वे कितना आ गया, देखो 2 × 2 = 4 वो आ गया, प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस 5, 2.5 मेरे ख्याल से, क्यों? तो मेरे ख्याल से 6.5 जूल ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है मिस्टेक ना हो गई हो। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, okay. ये हो गया। अब चलते हैं 27th क्वेश्चन। आपको फोर्स दिया था 3i कैप माइनस 12j कैप, और डिस्प्लेसमेंट दिया था, डी से दिखाया था, लेकिन इसको एस भी कह देता हूं मैं, ये 4i कैप दिया था, और के इनिशियल ये 3 जूल दिया था, तो के फाइनल निकालना था कितना होगा। अगेन फिर से वही देखो, एफ डॉट एस कर लो ना, देखो वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, एफ डॉट एस आ गया, क्यों? और जरा देखना, एफ डॉट एस 12 के इक्वल आ रहा है, क्यों? ये हो जाएगा ना, ये और ये, बस केवल ये मल्टीप्लाई होंगे, क्यों? 12 आ गया, और ये किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, और के इनिशियल तुम्हें दिया था 3 जूल, क्यों? इसका मतलब के फाइनल कितना हो गया, 15 जूल आ गया, सिंपल है ना। एफ डॉट एस वर्क डन के इक्वल होगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम से वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, और वो के फाइनल माइनस के इनिशियल के इक्वल होगा, ये कह लो।
अब चलते हैं 28। ये मोर देन वन था, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। अब तुमसे कहता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है और फोर्स वेक्टर हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो तुम जानते हो इस सिचुएशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनता है ना, नहीं है? यस इसमें सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फॉर्म होता है। क्यों? इतना तो हमें पहले ही पता चल गया। अब तुमसे कहा था सबसे पहला वेलोसिटी कांस्टेंट है, बताओ सही है गलत है? वेलोसिटी ट्रू है सर। गलत है क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो रही है बेटा, समझ गया ना? डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। दूसरा तुम्हें कहा था एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, ये भी गलत है क्योंकि एक्सेलेरेशन की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे तुम ये देखो ना, मान लो यहां पे वेलोसिटी इधर को है तो एक्सेलेरेशन इधर है, जब यहां पे आया तो वेलोसिटी ये हो गई, बी डैश कह देता हूं, एक्सेलेरेशन इधर को हो गया। क्यों? एक्सेलेरेशन डैश कह लो, तो डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेक्टर चेंज हो गया ना। फिर तीसरा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ये सही है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, ठीक? तो ऑब्वियस ही बात है काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। और डी पार्ट कहता है कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये तो सही है, ये कह रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो और फोर्स वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर हो तो फिर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा होता है, एक्सेलेरेशन वेक्टर चेंज हो रहा होता है, एंड सो ऑन। कह लीजिए नेक्स्ट चलते हैं, पैसेज टाइप के थे दो क्वेश्चंस। एक इस टाइप से सर्कुलर ट्रैक दिया था तुम्हें, और ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, और आर दिया था 40 मीटर, और यहां से तुम किसी ब्लॉक को जीरो वेलोसिटी से छोड़ देते हो और मास दे रखा था 1 kg। अब ये जब 30 डिग्री पे पहुंच जाता है क्यू पॉइंट पे, तो ये कहता है अप टू क्यू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये 150 जूल दिया था। एक बार दोबारा सुन लो। अच्छा ये रफ सरफेस दे रखी थी, हाँ ध्यान रखना ये रफ है। तो क्यू पॉइंट तक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वो 150 जूल दिया था। तो 29th क्वेश्चन में ये पूछा था कि स्पीड एट क्यू कितनी होगी, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ये एच निकाल लेता हूं मैं, हाँ ये भी आर है, तो जो एच की वैल्यू है वो आर साइन 30 डिग्री है, और
और आर 40 मीटर दिया हुआ है, ध्यान रखना, तो इसका अंदर 20 मीटर हो गई। अब सुनो, यहां पे एमजीएच एनर्जी है और यहां पे हाफ एमवी स्क्वायर एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी में डिक्रीज हुआ होगा वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन रहा होगा ना, समझ में आ रही बात बेटा? यहां पे एमजीएच एनर्जी है और यहां पे हाफ एमवी स्क्वायर एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी में डिक्रीज हुआ होगा वही तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, तो बस हो गया, ये हो गया एम जी एच माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। इसको तुम लिख लोगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन और उसको कर दोगे m 150 जूल। अब तुम्हें देखो मास दिया हुआ है, जी की वैल्यू तुम जानते हो, एच जानते हो, एम जानते हो, तो यहां से वी निकाल देना, बस हो गया। समझ में आया पीयूष कि पहले तुमने वहां पे सर हाइट निकाल ली कि वो कितना ऊपर है, और वहां पे एमजीएच एनर्जी थी और वहां पे हाफ एमवी स्क्वायर एनर्जी है, ठीक? तो ये जो एनर्जी में डिफरेंस आया होगा तो ऑब्वियस सी बात है यही किया हुआ होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन चला गया, बस हो गया। अब 30 क्वेश्चन क्या था, थर्टी क्वेश्चन तुमसे पूछा था कि नॉर्मल रिएक्शन एट क्यू क्या होगी, तो पहले जरा फोर्सेस देख लेते हैं कि वहां पे फोर्सेस कौन कौन से आएंगे। देखो एक तो इधर को नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी और वो ही पूछी भी है तुमसे, और एक एमजी आ जाएगा इधर को, और एक मैक्सिमम फ्रिक्शन इधर को लगेगा म्यू टाइम्स एन, क्योंकि स्लाइड कर रहा है ना, तो म्यू टाइम्स एन इधर को लगेगा, ये हो गया। अब एम जी का मैं कंपोनेंट कर देता हूं, ये 30 था तो ये 60 था, इसका मतलब ये 60 हो गया, ठीक है? तो एम जी का कॉस 60 तो इधर आ गया, एम जी कॉस 60 डिग्री, और इधर को जो कंपोनेंट आ गया ये एम जी साइन 60 डिग्री आ गया। अब सिंपल सी बात है कि नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी कॉस 60 डिग्री, वो फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। बस अगर फिगर में देखोगे तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन माइनस एम जी कॉस 60 डिग्री, ये फिर हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यहां से नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गई बात, समझ गए? यस रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स होगा, रेडियल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, बस हो गया। अब तुम ये कह सकते हो कि एम जी साइन 60 डिग्री और म्यू एन का क्या हुआ, वो इसको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा ना, मतलब ऐसे होगा एम जी साइन 60 डिग्री, उनको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, माइनस म्यू एन जो भी आएगा, ये फिर मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगा, कि वहां पर जो भी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा, तो यहां से तुम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते थे अगर पूछ लेता, मान लो फाइंड ए टेंजेंशियल, लेकिन उसके लिए फिर हमें म्यू दी चाहिए था ना, म्यू आपको चाहिए होगा कि म्यू कितना होगा, ये कह लो। नेक्स्ट चलते हैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। थर्टी वन पॉइंट टू के जी मास दे रखा है और कांस्टेंट पावर 0.5 वॉट दे रखी है, कांस्टेंट पावर है,
इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी है, तो तुम्हें वेलोसिटी एट 5 सेकेंड ये निकालनी है कितनी होगी। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं कि अगर पावर कांस्टेंट है तो फिर जो हम वर्क डन निकाल सकते हैं वो सीधे पावर इनटू टाइम कर सकते हैं, और वर्क डन इक्वल टू वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, और पावर लिखोगे 0.5, और आपको कितने टाइम में निकालनी है, 5 सेकंड में निकालनी है, क्यों यहाँ पे 5 लिख दोगे और एम की वैल्यू रख दोगे 0.2, तो यहां से वी निकाल लो, बस हो गया। यस सर, समझ में आया पीयूष कि अगर कांस्टेंट पावर है तो आप सीधे पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करके वर्क निकाल सकते हो, और वर्क एनर्जी थ्योरम पता नहीं हमने कितनी बार लगा ली है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करोगे, के फाइनल माइनस के इनिशियल, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको जीरो दे रखी थी उसको जीरो रख देना। अब चलते हैं 32। टू केजी का मास है, रफ सरफेस में ड्रैग करते हो, ठीक है, रफ सरफेस में ड्रैग करते हो और कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2 और जे दिया हुआ है 4.2 जूल पर कैलोरी, इसका मतलब ये होता है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल हो गया बेटा, ध्यान रखना जो है ये हो गया। तो आपसे कहता है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, इन 5 सेकंड कह लो, और मास वगैरह भी दिया होगा, 2 केजी का मास दे रखा है मामले, ये सब दिया होगा, अच्छा दे ही रखा हो तो मास के ऊपर लिखा ही हुआ। अब सुनो एक बात बताओ कि स्पीड कांस्टेंट है तो 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा सीधे सीधे 2 × 5, इसका मतलब 10 मीटर ट्रेवल कर लेगा ना, समझ में आ रहा है, यस स्पीड सर, कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस इतनी ट्रेवल कर लेगा। अब सुनो जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगी, नहीं फ्रिक्शन के अगेंस्ट जितना तुमने वर्क किया होगा वो होगी, यस सर, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, म्यू इनटू एन इनटू डी, और एन यहां पे एमजी हो जाएगा, क्यों, तो इसका मतलब हीट कितनी हो गई, म्यू एमजी डी, लेकिन ये तो जूल में आएगा, ठीक है ये जूल में आएगा, अगर तुम्हें इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो फिर 4.2 से डिवाइड कर दोगे, क्यों, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो आ जाएगा म्यू एम जी डी अपॉन 4.2 कर देना, क्यों, अब यस सर, कैलोरी में आ जाएगा आंसर, म्यू दे रखा है तुम्हें, एम दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, डिस्टेंस आपने देख ली, ठीक ये हो गया कैलोरी, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था तो 5 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर देगा, और जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगी, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
और फ्रिक्शनल फोर्स होगा म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू यहाँ पे एम जी के इक्वल होगी, बस हो गया। लेकिन यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो जूल में आती, क्योंकि आप ऐसा ही यूनिट यूज करोगे, और उसको अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है आपको, तो फिर 4.2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब चलते हैं 33। आपको एक रिलेशन दिया था टी इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम में ये रिलेशन दिया था। तो पहले पार्ट में आपसे कहता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, बी पार्ट। तुम्हें वर्क डन निकालना था 0 से लेके 6 सेकंड तक। और बाय द वे मास वास सही होगा तो मास वास सब दिया होगा, इन केस अगर मास सही होगा तो मास वास सब आपको दिया होगा क्वेश्चन में, उसकी वरी मत करना। अब सुनो, रूट एक्स इसका मतलब टी माइनस 3 हो गया ना, तो एक्स की वैल्यू टी माइनस 3 का स्क्वायर टी माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। ठीक है, अब तूने वी निकाल लिया, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो ये हो गया 2t माइनस 6। अब पहला पार्ट देखो, व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, तो जरा देखना वेलोसिटी जीरो कब है बेटा, जो है ये होता है वेलोसिटी इज जीरो एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, राइट। ये हो गया। अब तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट तुम जानते हो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल होता ना, नहीं है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो एक्स फाइनल का मतलब हो गया एक्स एट 3 सेकेंड, और एक्स इनिशियल का मतलब एक्स एट 0 सेकेंड। बता, ठीक अब यहां पे रख ले, बस हो गया एक्स, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब जरा देख ले एक्स एट 3 सेकेंड कितना आ रहा, जरा देख, 9, 9, 18, ये तो 0 आ रहा है, क्यों? और एक्स एट 0 सेकंड कितना हो गया, 9 आ रहा है, क्यों? एक्स एट 0 सेकंड कितना आ गया, 9, तो -9 हो गया, क्यों? तो एक तरीके से -9 मीटर ये आ गया। क्लियर हो गया ना, जब वेलोसिटी 0 है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा। दूसरी बात, अच्छा बाय द वे तुमसे पूछा होगा कि उसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो फिर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ध्यान रखना बेटा। अगर तुमसे पूछता है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट फिर 0 आएगा, ध्यान रखना बेटा ये। समझ में आई बात? अच्छा अब चलते हैं वर्क डन। वर्क डन का तो मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूं बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस। इसका मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, इसका मतलब हाफ एम जीरो आ रहा वी है ये। फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, क्यों? बता, ये हो गया ना, तो ये हाफ एम वी फाइनल का मतलब हो गया वी एट 3 सेकेंड, क्यों? इसका स्क्वायर माइनस वी एट 0 सेकेंड का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू रख लेना, मास वगैरह दिया होगा तो वो आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा क्या क्या है। ठीक,
अब चलते हैं 34। एक बुलेट है, इसका मास वगैरह सब दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर सब दिया हुआ है, मास थीटा इनिशियल सब दिया होगा, ठीक है गिवन। और ये एक ऑब्स्टिकल से टकराती है, ठीक है। तुमसे कहता है कि बुलेट की 25% एनर्जी, इज रिटेन्ड बाई ऑब्स्टिकल, इज रिटेन्ड बाई ऑब्स्टिकल, ठीक है। और बुलेट जस्ट मेल्ट कर जाती है, जस्ट मेल्ट कर जाती है। तो बुलेट की तुम्हें स्पीड बतानी थी कितनी होगी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं सुन लो। बुलेट का मास एक्सेट्रा जो भी तुम्हें चाहिए सब दिया होगा, वो एक ऑब्स्टिकल से टकरा रही है और 25% एनर्जी ऑब्स्टिकल रिटेन कर लेता है और बुलेट जस्ट मेल्ट हो जाती है। आपसे कहता है जस्ट मेल्ट हुई, तो बुलेट की स्पीड कितनी थी। अब ये बताओ कि 25% एनर्जी ऑब्स्टिकल ने ली, इसका मतलब 75% एनर्जी बुलेट के पास रही ना भाई। 25% एनर्जी अगर मान लो ऑब्स्टिकल ने ली, तो 75% बुलेट ने रखी अपने पास, ठीक। और 75% का मतलब होता है 3/4, क्यों 3/4 होता है, इसका मतलब 3/4 एनर्जी क्या होगी बताओ, जो है 3/4 ऑफ हाफ एमवी स्क्वायर, ये कहाँ जाएगी बताओ, जो है सबसे पहले उसको मेल्टिंग पॉइंट में लेके आएगी ना, मतलब ऐसे होगा एम एस थीटा मेल्टिंग पॉइंट माइनस थीटा इनिशियल और प्लस, फिर उसको मेल्ट भी कर दीजिए एम इंटू एल और हो जाएगा, बस हो गया, क्यों ये आ गया, यहां से तुम वी निकाल लो बस। लेकिन जब मैंने हीट एंड थर्मोडाइनिक्स पढ़ाया था उसमें तुम्हें अच्छी तरीके से बताया था कि इसमें ना बहुत ऐसे नहीं कि तुमने एक साथ एम को कैंसिल कर दिया बेटा जी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे जो है कैलोरी चल रहा होता है, इधर जूल चल रहा होता है, कई चीज़ें वो होती हैं बेटा जो है। तो बेटर ये होता है कि जैसे स्पेसिफिक हीट है या लेटेंट हीट है, उसको पर कैलोरी को जूल वगैरह में कन्वर्ट कर लो और पूरी फिर ऐसा ही यूनिट चलाओ। ये मैंने हीट का जब चैप्टर लिया था तो पूरा बताया था तुम्हें कि पूरा उसमें जो है उसका ध्यान रखना, क्योंकि कई जगह कैलोरी चल रही होती है, कहीं पे जूल चल रहा होता है। जैसे नॉर्मली हम क्या होता है, इधर पे जूल चल रहा होता है ना हमारा, भाई यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जूल चल रहा होता है। जैसे मास को तुमने केजी में लिया, वी को मीटर पर सेकेंड में लिया, तो इधर जूल आएगा और इधर ज्यादातर क्या होता है कैलोरी चल रही होती है, इधर ज्यादातर कैलोरी चल रही होती है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा अगर तुम ऐसे करोगे बेटा जो है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि सारे तुम ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो, जैसे मान लो स्पेसिफिक हीट है या लेटेंट हीट है, मास है, सब कुछ जो भी है, ठीक, वो सब आप उसमें कन्वर्ट कर लो, ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें जो है। और वैसे मास कैंसिल भी हो रहा है, बुलेट का मास शायद हो सकता है ना भी दिया हो, क्योंकि मास कैंसिल भी हो रहा है ना पूरी इक्वेशन में जो है, लेकिन वो सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको मैं बेटा जो है। अब चलते हैं 35 क्वेश्चन। मास दिया था 10^-2 kg और एक फोर्स दिया था -k/2x² और के की वैल्यू भी 10^-2 दे रखी थी एसआई यूनिट्स में, पहला पार्ट।
वेलोसिटी तुम्हें निकालनी थी एट एक्स इक्वल टू 0.5 मीटर पे कितनी होगी। दूसरा टाइम निकालना था एट एक्स इक्वल टू 0.25 मीटर। ये भी सिंपल है, एक्सीलेशन। एफ बाई एम कर देना और जरा देखना के और एम की वैल्यू सेम है बेटा। जो है देखो जरा, के और अच्छा एम की वैल्यू सेम है ना, के और एम की वैल्यू सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा एक्चुअली। ये इसलिए कह रहा हूं मैं, के और एम की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब के और एम तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सीधे सीधे मेरे ख्याल से -1/2x² आ जाएगा। क्यों? यस सर, अब सुनो, इस एक्सेलेरेशन को दो तरीके से लिख लेना ना। एक मिनट ना, रुक जाओ। एक तो तुम लिख लो v इंटू dv बाई dx, यस एक तो ऐसे लिख लो, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट कर देना v को, लिख लेना 0 to v और x की लिमिट्स रख देना 0 to 0.5। क्यों? तो यहां से तुम्हारा निकल जाएगा v एट x इक्वल टू 0.5। बता, यस समझ में आ रहा बेटा? एक्सेलेशन को तुमने v इंटू डी वी बाई डी एक्स लिख लिया, तो v की लिमिट कर देना 0 से v और x की लिमिट कर देना 0 से 0.5, तो ये हो गया। कह लो जो है, एक तो ये आ गया। ठीक, अब दूसरा क्या करना है तुम्हें, t और x में निकालना है ना, x और t में। ठीक, अब तुम क्या करना, इसी को एक बार और इंटीग्रेट करना। ठीक है, v को लिखना 0 से v, x को लिखना 0 से x। तो अब ये बताओ, तुम्हें v एज ए फंक्शन ऑफ x पता चल गया ना, फिर जनरल फॉर्मूला आ गया ना ये तो। क्यों? v एज ए फंक्शन ऑफ x पता चल गया। अब तुम इस v को फिर dx बाई dt रख, थोड़ा सा इंटीग्रेशन होगा 2-3 बार, इसको रख देना dx बाई dt। ठीक, अब फिर से इसमें लिमिट लगा देना, समझ गए ना, इस वाले में लिमिट लगा देना, t की लिमिट रख देना 0 से t और x की लिमिट लगा देना 0 से 0.25। तो यहां से t निकाल लेना, समझ में आया? थोड़ा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है कि तुमने फोर्स को मास से डिवाइड किया तो वो एक्सीलेशन पता चला, लेकिन वो एक्स का फंक्शन आ रहा है, उसको वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स करना, तो वहां से वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पता चल जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू पुट कर देना, 0.5 भी रख लो चाहे तो। ठीक, और वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकला तो उसको डी एक्स बाई डी टी रख देना, फिर उसको इंटीग्रेट कर देना, तो तुम्हें एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी पता चल जाएगा। क्यों? फिर तुम टी निकाल लो जब एक्स की वैल्यू 0.25 है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, फिर हमारा वर्क एनर्जी पावर भी कंप्लीट हो गया विद सर्कुलर मोशन। ये क्वेश्चन भी हम लोग कई बार करते हैं क्लास में। ये 0.36 kg है और ये 0.72 kg है। तुमसे कहता है वर्क डन ऑन 0.36 kg बाय स्ट्रिंग।
जब बाई स्ट्रिंग का मतलब होता है बाई टेंशन, हाँ ध्यान रखना, बाई टेंशन इन फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड का मतलब जब आपने जीरो वेलोसिटी से उसको रिलीज किया, ठीक है। तो सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने कई बार किए हुए हैं। ये सिस्टम इधर जाएगा और ये इधर जाएगा ये एक्सीलरेशन से, और ये जो ए होता है ये क्या होता है, नेट पुलिंग या पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। क्यों, नेट पुलिंग या फिर पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो बाय द वे यहाँ पे नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया, 0.72 g माइनस 0.36 g, और टोटल मास आ गया 0.72 प्लस 0.36। ये तो समझ में आ गया ना। उसके बाद अच्छा ये टी है और ये 0.36 g है। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी बनाऊं तो इक्वेशन बनेगी टी माइनस 0.36 g इक्वल टू 0.36 a। तो यहां से तुम ए निकाल लेना, टी निकाल लेना, सॉरी, ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। उसके बाद इसका जो ऊपर को डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हाफ ए टी स्क्वायर आएगा, यस सर। और हमें इस वाले ब्लॉक में टेंशन का वर्क निकालना था 1 सेकेंड में। अब आप देखो डिस्प्लेसमेंट और टेंशन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब वर्क डन बाई टेंशन कितना हो जाएगा, टी रखना, एस रखना और कॉस 0 डिग्री रख देना, बस हो गया, ये कह लो। समझ में आ गई बात। सबसे पहले एक्सेलेशन यस निकालो, उसके बाद टेंशन निकालो, उसके बाद 0.36 kg पे, ठीक है, 0.36 kg में टेंशन भी ऊपर है डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो इसका मतलब उसका जो वर्क डन होगा, ठीक, उसका वर्क डन आएगा वो आ जाएगा सीधे सीधे टी एस कॉस 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे चलते चलते चलो एक मैं और चीज बताता हूँ, वो क्या है, देखो जैसे ना ये होता है, देखो तुम इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन आती है वो पहली बात तो एम इंटू जी इफेक्टिव याद रखो बस। अब जी इफेक्टिव क्या होता है, ये जी के इक्वल होता है अगर एक्सेलेरेशन 0 हो। ये जी प्लस ए के इक्वल होता है अगर एक्सेलेरेशन ऊपर को हो, और ये जी माइनस ए के इक्वल होता है अगर एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड हो, ठीक है, ये हम कई बार कर चुके हैं। तो इसी टाइप से ना तुम टी भी कर लिया, अगर वो सीधे सीधे टी अगर किसी ब्लॉक का निकालना है तो तुम्हें एम इंटू जी इफेक्टिव कर लो, बस हो गया। समझ में आ रहा है तेरे क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, जो है तुम यस ना सर। कहीं पर टेंशन निकालना है तो एम इंटू जी इफेक्टिव कर लो, जैसे बताता हूँ, देखो तुम तब समझ में आएगा तुम्हें। जैसे देख इस वाले पे तेरे को अगर करना है, ध्यान से देख, यहाँ पे अगर तू देखेगा तो टी इक्वल टू क्या होगा, देख एम इंटू जी इफेक्टिव करना है, एम तो रखेगा 0.36 लेकिन इसका एक्सेलेरेशन ऊपर है तो ये जी प्लस ए हो गया, बता। यस अब तू इस पे आ जा, चल यहां से, तू कहता नहीं मैं तो यहां से टेंशन निकालता हूँ, ठीक, यहां से टेंशन निकालता हूँ, तो इसको भी तूने लिखा एम इंटू जी इफेक्टिव,
अब तूने एम तो लिखा 0.72, लेकिन इसके लिए जी इफेक्टिव जी माइनस ए होगा, बता। समझ में आ रहा है? इसका इसका एक्सेलेशन क्या है बता? इसका एक्सेलेशन नीचे को है, तो इसके लिए जी इफेक्टिव कितना लिखेगा बता? जो है जी माइनस ए करेगा जो है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा जल्दी फास्ट तू कर सकता है कि अगर कोई ब्लॉक मान ले ऊपर को जा रहा है और तेरे को टेंशन निकालना, मतलब स्ट्रिंग से बताओ और टेंशन निकालना, तो सीधे एम इंटू जी प्लस ए कर दे। और कोई ब्लॉक मान ले स्ट्रिंग से बंधा हुआ नीचे को एक्सीलेट है, तो सीधे एम इंटू जी माइनस ए कर दे, बस हो गया। लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी नहीं करनी, ये क्या। तो ये हमारा वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट हुआ विथ सर्कुलर मोशन। अगली बार हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, इम्पल्स एक्सेट्रा। सो ओके, थैंक यू एंड गुड डे। थैंक यू।